Ашьяу! Рубия! Пойду, возьми что за меня! Рубия! Не слушай, доктор Земли! Доктор Канат! Я доктор, а что слушай, давай, доктор, делай! दिन के जो है कि 12 बजे हुए हैं और सभी लोगों मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं देख रहे हैं छत पे हूँ और कपड़े वड़े भी मैंने धो दिया है, मौसम थोड़ा ख़राब है और कपड़े धो के मैंने डाल दिया है पूरे। अब इस साइड भी आप देख सकते हैं ये वाला इधर, और ये पानी की टैंकियाँ हैं बड़ी बड़ी, कम से कम 10 बार पानी टैंकियाँ। और आज मौसम भी काफ़ी ख़राब है और ये देखो उधर ये मेरा दोस्त उधर से हंस रहा है, बाय बाय कर रहा है, बंगाल का हो तो काफ़ी मौसम आज ख़राब होने वाला है। ये एरिया तो क्या देखोगे, ये पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा है। और बाकी आपको दिखाता हूँ इधर नदी, ये कौन सी नदी है यार, ये बोलता है जम्मू तभी नदी बोल रहा है, हाँ ये वाली बगल में। और बाकी आपको बताया क्वारंटाइन सेंटर है, ये आपको मैंने बता ही दिया है और भी वीडियो बनाया मैंने, इसमें दिखाऊंगा आपको वीडियो में। और गाइज मैं ना एक आज ब्लॉग शूट नहीं कर रहा हूँ, आज मैं एक ऐसा जो है कि एक शख्स का वीडियो दिखाऊंगा आपको, रिकॉर्डिंग और दिखाऊंगा उसका वीडियो, 1 मिनट का है। और वो ऐसा कर रहा ना कारनामे कि जैसे वो पागल है या कोई नशे की हालत में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अभी उस अभी के टाइम पर वो जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद शूट किया था वीडियो। तो आपको वीडियो देख के लगेगा कि हमें भी ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए जो उसने किया है। जो हमारे युवा साथी हैं, नौजवान हैं, इन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये मैं जो है कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ। ये वीडियो बनाने का मतलब ये था मेरा कि जो लोग नशा करते हैं ये लोग जो कि नशे से दूर रहें, अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। चलो वीडियो आगे दिखाता हूँ। डॉक्टर जमीर, डॉक्टर करण, या डॉक्टर हर्षित सोच रहे, डॉक्टर जल्दी, डॉक्टर डॉक्टर हर्षित, डॉक्टर हर्षित, डॉक्टर जमीर सोच रहे, तुझे बोला डॉक्टर जमीर सोच रहे, डॉक्टर जमीर, मैं मैं सोच डॉक्टर जमीर बनाऊंगी मैं बादशाह, मैन साइड बादशाह, सुना बादशाह। जो आपको मैंने वीडियो दिखाया, रिकॉर्डिंग सुनाया ना, ये कोई पागल नहीं है, ये वो शख्स है जो स्मगलिंग करता था और जैसे दारू हो गया, अफीम हो गया और ड्रग्स का स्मगलिंग करता था। तो इसको पकड़ा पुलिस ने और पुलिस ने इसको 24 घंटे के लिए अपनी हिरासत में रखा। तो जब इसको ड्रग्स नहीं मिला तो ये पागल जैसी हरकत करने लगा, क्योंकि जिसको ड्रग्स नहीं मिलता, जो ड्रग्स का नशा करता है, और अगर उसे नहीं मिला तो पागल जैसा हरकत करता है। तो कभी कभी इसको सिगरेट पिलाया जा रहा था, सिगरेट पिला के थोड़ा सिगरेट पीने से थोड़ा नशे में रह रहा था, तो इससे क्या हो रहा था कि थोड़ा बहुत बता पा रहा था कि हाँ उसने ड्रग्स लिया है, ड्रग्स लेता है वो, उस टाइम तो नहीं लिया था। और फिर उसके घर वालों को पूछा, घर वाले आए, उन्होंने बोला ये ड्रग्स लेता है, इसको नहीं मिलने की से जो है कि ऐसे पागल की जैसा दौरा इसको पड़ जाता है, ऐसा बता रहे थे। तो आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग भी यार, जो लोग नौजवान हैं जिसके माँ बाप घर में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लेके रहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा काम करे और अच्छा आगे तरक्की करे, कई सपने होते हैं माँ बाप के, तो वो चीज़ें अधूरी नहीं रखनी है माँ बाप की, और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखना है। तो ये चीज़ें जो कि बिल्कुल भी, मैं तो बताऊँगा कि नशा बिल्कुल नहीं करना, ड्रग्स तो सबसे खतरनाक नशा है जो कि नहीं मिलने के बाद इंसान पागल की जैसी हरकतें करे, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, और जो है कि बिल्कुल पागल बन जाता है, दौरे पड़ते हैं। तो ऐसा नशा तो बिल्कुल भी ना करें, नशे तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि फौजी आदमी है और ये हमको ऐसा बता रहा है। बताने का मतलब ये है कि आप सोच रहे होंगे कि फौज में भी दारू, फौज में भी बिल्कुल ना, तो उनके जो दारू नहीं पीते, मीट नहीं खाते हैं, ऐसे लोग भी हमारे फौज में रहते हैं। और ऐसा नहीं कि फौज में रहते हैं तो हर कोई दारू पीता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सोचोगे कि मतलब ये हमें बता रहा है और ये कि ये तो दारू पीते होंगे, तो ये हमारा दोस्त है, ये नहीं खाता है, कभी सोता नहीं, ये दारू हारू कुछ नहीं पीता, कहाँ है ये दारू हारू नहीं पीता, देखिए कभी भी नहीं, बिल्कुल दारू नहीं पीता है। तभी तो फौज में ना लोग सोचते हैं कि दारू पीता है, क्यों, हाँ 80% लोग पीता है, 20% लोग नहीं, हाँ 20% 80% लोग पीता होगा, 20% नहीं पीता है, सब सोचता है जो बाहर वाला जो फौज जितना है सब दारू पीता है, किंतु भाई लोग हम लोग दारू नहीं पीता, नहीं पीता है, 80% लोग दारू पीता है, किंतु 20% लोग जो अच्छा भी है नहीं पीता है, मीट नहीं खाता है, मीट भी नहीं खाता है, फिर पनीर खाता है, पनीर खाता है,
और कुछ नहीं। तो लोग सोचता है कि फौज में रहने से, क्योंकि यहाँ लोग दारू पीता है और कई नेगेटिव सोचे रहती है ना फौज के अंदर, बोलता है कि वो दारू पीते हैं, दारू पीते होंगे और दारू मिलता होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों का छूता ही नहीं उसको, धारे बगल में रहता ही नहीं, सामने कोई पी भी रहा होगा तो हट जाएगा वहाँ से, हट जाएगा, ये चीज़ें होती है। तो इसीलिए आपको मैंने वो वीडियो दिखाई जो ड्रग्स वाला है ना, तो ये लोग सोचते हैं ना कि फौजी आदमी हमको बता रहा है लेकिन खुद दारू पीते होंगे, हाँ बिल्कुल नहीं, इसीलिए बता रहा हूँ। जो ड्रग्स का वीडियो बनाया था ना, ड्रग्स तो बिल्कुल खतरनाक नशा है, उसको नहीं मिलता तो पागल होता आदमी, पागल होता। तो इसी चीज़ आपको मैंने दिखाया था वीडियो में। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन उससे कई लोगों को अच्छाइयाँ भी होगी ना देख के, सोचेगा यार हमको नहीं करना चाहिए ये चीज़ें ना, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। और बाकी ये हमारा दोस्त है, ये तो बिल्कुल एक एग्जाम्पल है कि पीता ही नहीं है, मैं भी नहीं पीता हूँ, बहुत है, मैंने क्या बोला 20% लोग पीता नहीं उसमें फौज में, दारू सोता है नहीं, सोता नहीं। अभी ड्यूटी कब बता, 3 बजे, 3 बजे ड्यूटी भी है, इधर बैठा हुआ है, ये मेरा करीबी दोस्त है एकदम, रेस्ट कर रहा हूँ, 3 बजे ड्यूटी भी जाना है देश के लिए, मर भी सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ, जान भी ले भी सकता हूँ, ठीक है, इसके लिए, हाँ इसके लिए हम लोग भर्ती है आप लोग के सेवा के लिए, आप लोग नींद से सो पाएगा, आराम से खाना है, सोना है, घूमना है, इसके लिए हम लोग बॉर्डर पे रहता हूँ, ये हमारा इंडियन भारतवासी भाई लोग वो करके, इंडियन भारतवासी भाई लोग ठीक से चैन चैन से सोए, खुश रहे, खुश रहे। और ये बताओ कि अभी यार अभी होली आने वाली है ना, देखो हम लोग होली में अब यहीं रहेंगे ना, होली में ही रहेंगे, हम लोग का छुट्टी छाटा तो होता नहीं, बहुत मुश्किल तो मिलता है, मतलब त्यौहार होते हैं ना तो किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं भी मिलता है, ड्यूटी भी करनी है, सबको तो मिल नहीं पाएगा ना, अभी हम नहीं कि तो हम अगले टाइम पे जाएंगे, हम जाएंगे, एक रोटेशन चल जाता है ना, रोटेशन में जाता है, मान लो हम लोग होली में नहीं गया, हमको दीपावली में छोड़ा, दीपावली में छोड़ा जाएगा, दुर्गा पूजा में जाएंगे, ऐसे ही मतलब किसी को अभी छोड़ेगा कि वो तो उनको बाद में नहीं छोड़ेगा, बाद में उनको भी दुर्गा पूजा में नहीं छोड़ेगा, हमको छोड़ेगा, दिवाली में हम लोग जाएंगे घर, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। और बाकी आज मौसम खराब है यार ना, मौसम कपड़े भी धो रखे हैं सूखे का, तो बाकी यही था फिर आज का जो वीडियो था, और आपको मैंने दिखाया, और ये बाकी तो यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं, इसे बिल्कुल धुंधला सा हो रखा है। और गाइज आपको जो कि मैंने वीडियो में दिखाया, और आपको हमने बता भी दिया कि फौज में भी जो है कि 20% लोग दारू नहीं पीता है, 80% लोग दारू पीता है, और आप लोग सोच रहे होगा कि यार हमें बता रहा है खुद दारू पीते हैं, ऐसा जैसे ये भाई भी थे कि उस दिन जब वो नहीं था वो ड्रग्स वाला ना, पागल हो रखा था, हाँ तो उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप, कि मतलब ये चीज़ें ख़राब है कि अपना, जैसे आप नशा नहीं करते हैं तो आपको आपको अच्छा अनुभव होगा, अच्छा लग रहा है। जो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो वो नशा दोबारा नहीं करना चाहता है, मतलब उसमें बहुत ख़राब चीज़ है, जिसको जो वो नशा करता है उसमें जिसको नहीं मिलेगा बाद में पागल जैसे हो जाता है, उसको रखने से मुश्किल हो जाता है ड्रग्स, हाँ ड्रग्स में उसको देना ही पड़ता है, कि कहाँ लगाता है, इंजेक्शन लगाता है ना, इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, इसके लिए वो ड्रग्स लेना ही नहीं। आप लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ, दुनिया के लिए बोल रहा हूँ, भारतवासी के लिए बोल रहा हूँ, एक फौजी होने के नाते, एक फौजी होने से बाद से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को मैं भलाई चाहता हूँ, जो ड्रग्स कभी भी नहीं लेना, जिंदगी भी खराब हो जाएगी, जिंदगी भी, घर वाले परिवार भी, परिवार भी जाएगा, आप भी जाएगा, वो लेने पूरा फैमिली के सपने खत्म हो जाएंगे, सपने भी खत्म हो जाएंगे, माँ बाप हमें पढ़ाता है बचपन से, बस बड़ा हो गया हम ड्रग्स लेंगे और नशा करेंगे तो कितना हाल बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपने भी देखा था ना वहाँ पे जो वीडियो बनाया था मैंने, वो कैसा पागल कर रहा था, पागल हो जाता, पूरा मुंह से गर्दन निकल गया था, पूरा अबुल तबल भूल भाल बोलता था हर टाइम में, कश्मीरी में बोलता था, क्या क्या पता नहीं हमारे समझ में नहीं आता था, अड़ंग भड़ंग करता, हिंदी प्रॉब्लम है थोड़ा देख लीजिए, ठीक है ना, बंगाल का है ना इसीलिए मेरा दांत भी निकल गया, ये खिड़की बना हुआ बंगाल का है ना, बंगाल का, चलो तब तक के लिए यही। जो लोग नशा करते हैं और ड्रग्स लेते हैं, ज़्यादातर नशा करते हैं ये लोग, जो कि नशे से दूर रहें।